नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको जन्माष्टमी व्रत के लिए नारियल का खीर और नारियल के लड्डू बनाना सिखाएंगे। यह दोनों रेसिपी बहुत आसानी से बन जाता है और यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए नारियल का खीर बनाते हैं। नारियल का खीर बनाने के लिए मैंने लिया है कच्चा नारियल। नारियल के पीछे वाला ये ब्राउन पार्ट जो है उसको हटा लिया है। लिया है चीनी, कटे हुए बादाम, कटा हुआ काजू, कटे हुए मखाने और इलायची पाउडर। तो चलिए नारियल का खीर बनाते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई में डालेंगे बॉयल किया हुआ दूध। और दूध को एक बार फिर से गर्म होने देंगे। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम नारियल को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं। मैं ऐसे नारियल को ग्रेट कर ले रही हूँ। देख सकते हैं आप, आसानी से ग्रेट हो जाता है नारियल। मैंने सारे नारियल को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको दूध में डालेंगे और आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये ग्रेट किया हुआ नारियल और इसको दूध के साथ अच्छे से पकने देंगे। खीर को पकाते समय अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। खीर को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है। अब हम इसमें बाकी सामग्री ऐड करेंगे। तो डाल देंगे कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू और ये मखाने और सबको मिला लेंगे। और अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। जितना मीठा आपको पसंद हो उसके हिसाब से चीनी मिला लीजिए। और डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर और अपने गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इस खीर को धीमी आंच पर पकने देंगे। खीर पककर गाढ़ा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम गैस ऑफ करेंगे और खीर को ठंडा होने देंगे। खीर थोड़ा ठंडा हो गया है। खीर को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब हम उसके ऊपर से डालेंगे कुछ केसर के धागे और ये कटे हुए बादाम, कटा हुआ काजू और आप देख सकते हैं नारियल का खीर बनकर तैयार है। नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है नारियल का बुरादा। इसी कटोरी से नाप कर 2 कटोरी लिया है। 1 कटोरी चीनी, दूध, इलायची पाउडर और मिल्क पाउडर। तो चलिए नारियल के लड्डू बनाते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाया है। अब हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, 1/4 घी गर्म हो गया है। डाल देंगे गरी का बुरादा और इसको चलाते हुए भून लेंगे। नारियल का बुरादा भुन चुका है, इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध और दूध को नारियल के साथ मिला लेंगे। अच्छे से मिलाते हुए इसको भुनेंगे। दूध बुरादा में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर और इसको भी मिला लेंगे। मिल्क पाउडर को बुरादा में अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मलाई। अगर आपके पास मलाई हो तो डालें वरना स्किप कर दें। और इस मलाई को भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी और चीनी को मिला लेंगे बुरादा में अच्छे से। चीनी भी अच्छे से गल गया है। अब हम डाल देंगे इलायची पाउडर और इसको मिला लेंगे अच्छे से। मिलाते हुए एक
इस मिक्सर को 2-3 मिनट और पकाएंगे। 2-3 मिनट और पका लिया है। अब यह मिक्सर लड्डू बनाने के लिए तैयार है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। लड्डू का मिक्सर ठंडा हो गया है, अब हम लड्डू बनाएंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए इसको। इस तरह से लड्डू बनाएंगे। लड्डू का साइज आप अपने इच्छानुसार बड़ा छोटा जैसा चाहें रखें। इस तरह से लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाकर नारियल का बुरादा है उसमें हम डाल देंगे इस लड्डू को। इस तरह से बुरादा से कोटिंग कर लेंगे। आप देखिए इस लड्डू को कितना ज़्यादा सुंदर है। अब हम दूसरा लड्डू बनाएंगे। और इसी तरह से सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे। अब इस लड्डू को भी कोट कर लेंगे इस नारियल के बुरादा में। सारे लड्डुओं को बना लिया है, आप देख सकते हैं नारियल के लड्डू और नारियल का खीर बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार इस नारियल लड्डू और नारियल का खीर दोनों को ज़रूर ट्राई करिए, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस खीर को और लड्डू को आप जन्माष्टमी में कृष्ण जी के भोग लगाने के लिए बना सकते हैं।